वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकुवश कृपा सिंधु भवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्वदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् भीतात्तिहम् प्रणद्वाल भवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवयुग्मकचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियाद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजो कनका बुदात संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणा भुतारु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादुपंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम बागी सजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित तम सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भयं द्वितीयो विनिवेशतः सत् ईशत् अपेत्यस्य विपर्ययश्रुति तन्मयायतो बुधो आवये त्वं भक्तैकैशं गुरुदेवतात्मा
Bhayam dityo vinivishatah sat ishat apetasya viparjaya sriti tanumayaya to budho avayetvam bhaktaika esham gurudevatatma. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji ne bataye, ye jara jagat ka, ये जगत का आकर्षण और विकर्षण का जो धर्म है, ये आकर्षण विकर्षण का धर्म का बाहर जाना जरूरी है। ये जगत का जो आकर्षण विकर्षण है वस्तु, ये सब आकर्षण विकर्षण का वस्तु से हमको हाथ छुड़ाकर बाहर जाना है। आकर्षण और विकर्षण का वस्तु माया जी का है, माया देवी। माया देवी का ये मार्केट है, पूरा बाजार खोल के रखी है, और इसमें तरह तरह का आकर्षण विकर्षण का वस्तु। और जब तक आकर्षण विकर्षण का अंदर फंसे रहे, तब तक सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति ये संभव नहीं है। हमारा हृदय में जो डर पैदा होता है, भय, ये भगवान से दूसरा वस्तु, भगवान छोड़कर, भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व है, और भगवान छोड़कर जब दूसरा वस्तु में अभिनिवेश होता है, भगवान छोड़कर कुछ वस्तु है ही नहीं, फिर भी अगर किसी का अंदर में भगवान छोड़ के, भगवान का साथ रिलेटेड वस्तु छोड़कर अपना एन्जॉयमेंट का कोई वस्तु पाने का, खोने का, ये सब चिंता में जब डूबे रहते हैं, तब तक जीवों का अंदर में सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भगवान से जब हमारा दृष्टि घूम जाता है, भगवान से जब हमारा दृष्टि थोड़ा घूम जाता है, तब विपर्यय अश्रुति अविश्रुति कृष्ण पदार विंदय क्षिणौती अभद्राणी च संतनोति, ये श्लोक है भागवत का। अविश्रुति कृष्ण पदार विंदय क्षिणौती अभद्राणी, जब हर वक्त भगवान का चिंतन, गुरु वैष्णव का कृपा से हमारा हृदय में बने रहते हैं, तब धीरे धीरे जितना भी हमारा अनर्थ बचा खुचा है, तो धीरे धीरे हमारा हृदय को छोड़कर भागने वाला है जल्दी। अविश्रुति कृष्ण पदारविंद और क्षिणोति अभद्राणी, अभद्राणी बहुवचन, बहुत सारे तरह तरह का अभद्र अर्थात अनर्थ भरपूर है। खिनोती अर्थात एक खिन होते जा रहा है, ये खिन होते होते अंतिम में एकदम हृदय को छोड़ के चले जाए। खिनोती अभद्राणी, खिनोती अभद्राणी च संग तनोती, च इसका साथ साथ संग मतलब मंगल विस्तार करे, च ये विदा, ये जो अनर्थ है धीरे धीरे विदाय होने लगे, और इसके साथ साथ चौसंग तनोति, इसका साथ साथ एट द सेम टाइम मंगल का रास्ते खुल जाता है। चौसंग तनोति, तनोति माने तनोति विस्तारति, प्रोपागेट, तनोति मंगल का जो भाव है जागृत होता है हृदय में। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका विचार शक्ति सही है, विचार करके तन माया अतो बुधो, बुद्धिमान व्यक्ति अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। हमारा जगदानंद पंडित लिखा है शायद, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, भक्तिमय ठाकुर लिखा है, सॉरी भक्तिमय ठाकुर जी ने लिखा है,
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। তো ভয়ম দ্বিতীয় অভিনিবেশত যাবি দূসরা অভিনিবেশ ডুয়েল কনসেপশন আ যাতে আর উসি সময় হামারা বুদ্ধি বিপর্যয় হো যাতা ভগবান স্মৃতি টুট যাতা হয় হট যাতা হয় ইসিলিয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ক্যা করে গুরুদেব কো ভগবান সে অভিন্ন মানকর যথা দেবে তথা গুরু ভক্তি গুরু মে জিতনা হ্যাঁ ভগবান মে উতনাই হ্যাঁ গুরু মে ওর জাদা হোনি চাই যথা দেবে তথা গুরু ওকে ভক্তই কে এশম গুরুদেবই হামারা ঈশ্বর হ্যাঁ সবসে সব কুছ হ্যাঁ আধার হ্যাঁ গুরু কে পা হি কেবলম এসা বিচার করকে আর গুরুদেব আত্মা একদম গুরুদেব কা হৃদয় কা সাথ হামারা হৃদয় একদম এসা হারমোনাইজ হো যায় কি কই ভি দ্বিতীয় অভিনিবেশ নহি রহ সকে। ইস বিষয় মে ইস প্রসঙ্গ মে যদ্যপি ইহা বোলনা জরুরি নহি হ্যায় ফির ভি হামারা বিচার হ্যায় কি আগর ইয়ে বাত কো উঠায় ঠিক হ্যায়। ইয়াদ হ্যায় শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ মে পহলা স্কন্দ মে নষ্ট প্রায়শ অভদ্রেশু নিত্যম ভগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্টুকী। ইয়া যো নষ্ট প্রায়শ অভদ্রেশু ইয়ে বাত কো ধ্যান দেনা চাহিয়ে নষ্ট প্রায়শ অভদ্রেশু জব হামারা অনর্থ বিগত প্রায় অলমোস্ট গোয়িং আবি গিয়া নেই উসকা গন্দগি হ্যায় থোড়া বহুত ইসকা বারে মে ইয়ে চর্চা জরুরি হ্যায় কি নষ্ট প্রায়শু ইসকা মানে কিয়া হ্যায় মানে ইয়ে হ্যায় হামারা হৃদয় সে অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থ অলমোস্ট গন চলা গিয়া বাস বচা খুচা হ্যায় থোড়া বহুত ও একদম ফেইন্টেড স্নেক জেসা হ্যায় না মূর্ছা মূর্ছা প্রাপ্ত সাঁপ জো হ্যায় জেসে দাউজি কা রাসস্থলী মে মে যায়া করতে থে আবি ভি যাতে পহলে ও জাদা যাতে থে ওয়াহ পেড় সে উপর কা পেড় সে উপর কা পেড় সে বড়া বড়া সাঁপ ধুম নিচে গিরকর বস আধা ঘন্টা মূর্ছিত হোকে রহতে উসকে বাদ তোরা সেন্স আ জানে সে চলে যায় এসা দেখা হ্যায়। নষ্ট প্রায়শ অভদ্রেশু মতলব হমারা অন্দর মে আবি যো বচা খুচা যো অনর্থ হ্যায় ও ইতনা হঙ্গামা নহি কর সকতা মুর্দা জেসা হ্যায় চলো ঠিক হ্যায় ফেন্ট মুর্দা নহি ফেন্ট ও সেন্সলেস জেসা হ্যায়। ইস বিষয় মে যদ্যপি ইহা দরকার নহি ফির ভি ইয়ে বাত কহে দে তো আচ্ছা হ্যায় রাসলীলা কা যো শ্লোক হ্যায় না যো শ্লোক মে ও যো বতায়া গিয়া যো অনর্থ রহনে সে ভি ইয়ে রাসলীলা শোভন করো ইসকা বারে মে হামারা গুরুবর্গ নে পরম ভাই কেশব গোস্বামী মহারাজ অর পূর্ব অর ইসমে ইয়ে বিচার আতা হ্যায় ও লোক সমস্ত নেই হ্যায় সমস্ত হ্যায় কি অনর্থ ভরপুর রহে ইস সময় রাসলীলা চর্চা করো এসা বতায়া নেই গিয়া ইস বিষয় মে বাদ মে হাম চর্চা করেঙ্গে প্রসঙ্গ আয়া তো কহ দিয়া। নষ্ট প্রায়শু অভদ্রেশু নিত্যম ভগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্টকি নষ্টকি ভক্তি প্রাপ্ত করণে কে ইয়ে রাস্তা হ্যায়। অর উস সময় ক্যা হতা হ্যায় বলে উস সময় তদা রজস্তম ভাবাহ কাম লোভাদয়শ্চ যে চেত এতৈর অনাবিধ্যম স্থিত্যম সত্যে প্রসীদতি এ সময়না জরুরি হ্যায় উস সময় ক্যা হতা হ্যায় উস সময় এক বিশেষ বাত ইয়ে হ্যায় যে সময় আমারা অন্দর মে অভদ্র অলমোস্ট গন অনর্থ অ মঙ্গল কা রাস্তা
पे चल रहा है, ठीक है। और उस समय भगवती उत्तम श्लोके अर्थात भगवान में, भगवान के चरण में, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक, नैष्ठिक भक्ति पैदा होता है, निष्ठा। उस समय क्या होता है, वजह अंदर में जो जिस बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है गीता में, ये प्रकृति का जो गुणावली सत्वरजतम गुण, चाहे असुर कहो चाहे देवता कहो, कोई एक भी बंदा नहीं है जो, ये तो प्रकृति का प्रभाव का बाहर है, प्रकृति का जो त्रिगुण है इसका बिल्कुल बाहर है, ये समा एकमात्र वैष्णव छोड़ के होता ही नहीं। तो चेतो ये रजस्तम भावा जो है, और काम लोभ आदि कुछ भी रहे वो मूर्छा प्राय, ऑलमोस्ट सेंसलेस, कुछ बिगड़ नहीं सकता। इसलिए दूसरा श्लोक में बताया, तदा रजस्तम भावा कामो लोभादयश्च जे चेतो एतोर अनाविध्यम, चित्तो प्रांगण को, हमारा चित्तो प्रांगण को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चेतो एतोर ए चेतो एतोर अनाविध्यम, अनाविध्यम माने ये सब चीजें जो हैं, चीजें जो हैं रजस्तम आदि है, जो कोमी बचा कुछ भी है थोड़ा बहुत, ये हमारा चित्त को बिगड़ नहीं सकता। चित्त का स्टेडीनेस, ए कंटिन्यूस फ्लो, निष्ठा मतलब एक इसका अंदर में कंटिन्यूस फ्लो रहे भगवान का ओर, इसमें डिसरप्शन, उसमें बाधा नहीं है। चेतो एतोर अनाविध्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति, इस समय में सत्य गुण में प्रतिष्ठित हो, स्थितम सत्य प्रसिद्धति, और ये सत्वगुण में, सत्वगुण में जो सत्वगुण का जो प्रभाव इसमें आने के बाद चित्त का प्रसन्नता प्राप्त होता है। चित्त में एक किस्म का प्रसन्नता, एक आनंद धीरे धीरे आता है। जो भी है, चर्चा होते हुए हम इधर इस यहाँ तक आया, जे गुरु वैष्णव जीवों का मंगल के लिए सोचते रहते हैं, और जीवे दया का माने क्या है, जीवे दया का माने प्रभुपाद जी ने बताए, प्रभुपाद जी ने बताए जीवे दया का माने ये है, जीवों का जो विपरीत रुचि, अब माया में फंसकर जीवों का जो विपरीत रुचि पैदा हुआ है, इसको रेक्टिफाई करना, इसको सीधा रास्ता में चलाना, अपना आचरण अपना आदर्शों देकर हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा बद्ध जीवों के हृदय का जो अनर्थ है इसको थोड़ा चेंज करना, परिवर्तन करना करके इसको भगवन्मुखी, भगवन्मुखी बना देना, यही है। लेकिन बद्ध जीवों के अंदर में अनर्थ किसी भी हालत से जाता नहीं, और प्रोसीड्योर हमने बताया, पद्धति बताए, ऐसा करके धीरे धीरे अनर्थ विदा होता है बहुत मुश्किल से। और ये जो अनर्थ है मायामुग्ध जीव का, जो अनर्थ है, ये अनर्थ चार किस्म का पहले भी बहुत पहले बताया था, साल डेढ़ साल पहले शायद, यू नो, चार किस्म का अनर्थ चतुष्ट है। एक है स्वरूप ब्रह्म, बा जिसको तत्व ब्रह्म बोला जाता है, ये असुर, असुरों का हृदय का जो सिचुएशन है, असुर लोगों का अभी चल रहा है गीता में, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम न पीचा चारो न सत्यम ते सुविद्धते, यही तो चर्चा हो रहा है ना। और चर्चा हुआ था दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवो असुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैवो आसु आसुरहस्तद् विपर्ययः। क्या बताया, दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्
Daivo asura eva cha Vishnu bhakta bhavet daivo asura hastat viparjayaha. ये सब चर्चा हो रहा है. तो असुरों का अंदर में अनर्थ भरपूर है, यही तो बात है ना. असुरों का अंदर में अनर्थ भरपूर है, जब इसीलिए उल्टा पलटा करता है. तो ये जो अनर्थ है, चार किस्म का थोड़ा बहुत टच कर दे, चर्चा करे. ये जो स्वरूप ब्रह्म है, बस जिसको तत्व ब्रह्म, अपना स्वरूप के बारे में ब्रह्म है, ये समझ नहीं सकता बद्ध जीव. जे जीव हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, ये समझ नहीं सकता. ये स्वरूप का भ्रम है, मैं ऐसे एक स्वतंत्र जीव हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये जगत का मालिक हूँ, ऐसा करके स्वरूप भ्रम. और तत्व भ्रम चार किस्म का होता है. चार किस्म का ये स्वरूप, ये जो स्वरूप ब्रह्म तत्व ब्रह्म चार किस्म का होता है. ये एक किस्म का अनर्थ है. एक है स्वतत्व, जीवात्मा का जो स्वयं जो तत्व है, चिन्मय तत्व है, स्वतत्व और परतत्व. परतत्व माने एब्सोल्यूट तत्व, अर्थात भगवत तत्व. भगवत तत्व का बारे में कोई जानकारी है नहीं, ये क्या चीज है. और स्वतत्व माने खुद ये चिन्मय जीवात्मा है. जीवात्मा जो है खुद ये चिन्मय जीवात्मा है, भगवान का नित्य दास है. इस बारे में फहमी, गलत फहमी. जो स्वतत्व और परतत्व, परतत्व माने एब्सोल्यूट तत्व, एब्सोल्यूट भगवत तत्व. और कोई भी अगर भजन शुरू करे साधु साधन, तो इस साधु साधन का बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई बार, जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु गया, वहाँ साधु साधन तत्व का बारे में बहुत खुल बहुत सुंदर चर्चा की महाप्रभु. साधु साधन तत्व में एक गलती होने के कारण पूरा सरासर भजन गलत होता है. क्या साध्य है, असाधन कैसा है, शुद्ध साधन प्रणाली कैसा है, इस बारे में गलत गलत कंसेप्शन है. इसलिए साधु साधन तत्व यो हो, साधो एवं साधु साधु वस्तु क्या है और साधन कैसा है, साधन तत्व, इस बारे में गलत फहमी है. तो स्वतत्व पहला बात, तो स्वतत्व अपना तत्व में चिन्मय जीवात्मा जो जीव है कृष्ण का नित्य दास, इस बारे में गलत फहमी. स्वतत्व में भ्रम है, परतत्व एब्सोल्यूट तत्व में भ्रम है, और साधु साधन तत्व में भ्रम, जिसलिए भजन नहीं बन पाता. देखने में लगता है ये प्रिलिमिनरी विषय है महाराज, ABCD नहीं. सबसे बड़ा गहरा विचार इसी में होनी चाहिए. महाप्रभु जहाँ भी गया बांग्लादेश में, इधर उधर साधु साधन तत्व के बारे में बहुत गहरा चर्चा की. तो साधु साधन तत्व में ये गलत फहमी एक हुआ, पर स्वतत्व परतत्व साधु साधन तत्व. और विरोधी विषय कृष्ण का भजन का विपरीत विषय क्या है, ये आदमी के अंदर में कन्फ्यूजन पैदा होता है. जैसे उस दिन थोड़ा भक्त लोग आया था, चर्चा होते होते हमने बताया, देखो कोई अगर समझे प्रभुपाद का ही विचार, विचार सब प्रभुपाद का है, प्रभुपाद का विचार है, अगर कोई ऐसा समझे ये महाराज कंस है, कंस कृष्ण का मामा जी लगता है, तो इसको पूजा उतारना चाहिए, तो ये छागल है. आई बात समझ में. कोई अगर ऐसा समझे जे महाराज कंसो तो लगता है कृष्ण का मामा है, तो मामा जी को तो पूजा करना चाहिए, नहीं चाहिए अगर ऐसा, तो विरोधी तत्व. तो ये विरोधी तत्व तो देखने में लगता है कि कृष्ण का मामा है, मामा जी है, लेकिन विरोधी विषय. और पैसा का बारे में उदाहरण दे, जो किस पैसा भगवान में, भगवान का सेवा में लगने वाला और किस पैसा भगवान के सेवा में नहीं लगने वाला, इसका कोई विचार किसी के अंदर में नहीं है. जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में शुक्लोवृत्ति, शुक्लोवृत्ति विचार दिखाए, कोई अगर गलत रास्ता से पैसा कमाई किए और कोई साधु अगर अनजाने में सब पैसा ले लिया, तो हो गया छुट्टी. तो इसको अगर समझे कि हमारा पैसा आया भगवान का सेवा ही तो है, और क्या है,
तो विरोधी विषय कि तत्वज्ञान नहीं होने के कारण पूरा एकदम डेप्थ गहरा विचार हृदय में ठहरता नहीं, इसलिए ये विचार बनता नहीं, इसलिए गलती हो जाता। तो सो ये सब चार किस्म का है। और इसका बाद भद्र जीव का अंदर में जो तृष्णा है, तृष्णा माना तृष्णा का अंग्रेजी है थ्रस्ट, लेकिन यहाँ तृष्णा माने असत तृष्णा। असत तृष्णा माने विषय भोग का, विषयों को भोग करने का जो एक एक चाहत है, विषयों को एंजॉय करने का चाहत है, कोई किसी का हिम्मत नहीं है वो छाती ठोक के बोले मेरा अंदर में विषय का कोई आकर्षण। ये हो सकता कि गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत होकर एकदम विनम्र भाव में शरणागत होकर पुकारे ठाकुर जी को बचाओ, किसी का हिम्मत नहीं। यहाँ तक कि शंकर जी भगवान ब्रह्मा कोई छाती ठोक कर बोल नहीं सकता, जब मैं माया का बाहर हूँ, माया मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कर नहीं सकता, किसी का हिम्मत नहीं, किसी का। ब्रह्मा जी का जिंदगी में भगवान ने परीक्षा करके दिखाया। ये सब प्रसंग इधर चर्चा करने का दरकार नहीं है, खुल्लम खुल्ला चर्चा ना करे तो हाफ चर्चा करे, आधा चर्चा करे तो गलत उल्टा समझेगा। ब्रह्मा जी को परीक्षा हो गया भगवान श्री कृष्ण का, शंकर जी का, अर्थात कोई किसी का हिम्मत नहीं कि बोल नहीं सकता। कामजयी, शंकर का नाम पड़ गया शास्त्र में, कामजयी मृत्युंजयी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये कंडीशन मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति थे, नहीं तो शंकर को दौड़ना पड़ेगा मोहिनी का पीछे, ब्रह्मा को दौड़ना पड़ेगा सरस्वती का पीछे अपना लड़की। ये लीला है, ये किसी का दोष नहीं है, भगवान ने ये लीला करके इट इज वन काइंड ऑफ माइलस्टोन सो दैट वी कैन गेट बैक आवर कॉन्शियसनेस, हमारा चेतन वापस आए, ये खो गया चेतन, ऐसा हालत है। तो ये जो असत तृष्णा है बड़ा भयंकर है भैया, बड़ा भयंकर है असत तृष्णा। तो ये असत तृष्णा जो है ये चार किस्म का होता है, ओहिक ओहिक ये होता है ओहिक पारत्रिक, ओहिक वैष्णा पारत्रिक, ओहिक मतलब ये जीते जी, ये शरीर रहते हुए जितना सारे आकर्षण, इसीलिए इसे पॉइंट देके शुरू किया था प्रभुपाद का, ऐषणा वृत्तैषणा पुत्र ऐषणा धन है ये चलते रहे, प्रतिष्ठा ईषणा ये चलते रहे, इसका बाहर कोई किसी की हिम्मत नहीं है जाए। हाँ ये हो सके इसका मूड थोड़ा घुमा दे, प्रतिष्ठा तो है ही है, वैष्णवी प्रतिष्ठा हो गया, आकर्षण है भगवान का और आकर्षण है, आकर्षण विकर्षण बिल्कुल ना रहे हो ही नहीं सकता, रहेगा लेकिन उसका थोड़ा उसका जो मुंह है, उसका जो मुख है मुंह को घुमा देना। सो ओहिक ऐषणा सरा हंगामा मचा के रखता है, पारत्रिक मर जाने का बाद भी एक तृष्णा रहता है, मरने का बाद मेरा साथ रहे, जैसे मरने का बाद मेरा जयकारा उतारे आदमी, मरने का बाद मैं स्वर्ग में जाके बड़ा मौज ले ऐसा पार्थ अभी दान दक्षिणा कर ले। हर कोई का दान दक्षिणा लेना नहीं चाहिए, कोई अगर साधु को लेते देखा तो जरूर ये समझ के रखना वो लेके दूसरा जगह दे देगा, उखाएगा नहीं, वो सोच समझ के व्यवहार करता है। जो भी है वही कोई क्षण तो डेंजरस है ही है, ये जगत में रहते हुए आकर्षण विकर्षण भोगने का वो और फ्यूचर प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लानिंग पहले हुआ करता था, 5 ईयर्स प्लानिंग हमारा भी ये प्लानिंग चलता है, ये करो वो करो, ऐषणा इसके द्वारा अपना नाम लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि को कायम रखो,
इस जगत में यहां तक कि चले जाने का बाद भी कोई अगर बोले जे महाराज ये तो प्राण दे रहा है स्वाधीनता संग्रामी, इसका तो कोई ओषण नहीं, इसका भी है ओषणा छोड़कर होता ही नहीं कोई, ये भी मरने के बाद उसका जयकारा होए प्राण को दे, ये इसका भावना रहता है पारत्रिक मर जाने का बाद पारत्रिक ऐषणा। और भूति कामना मतलब भूति कामना मतलब विभूति, हमारा जीते जी हमारा अंदर में कोई विभूति आ जाए, जैसे लोग हमारा पीछे पड़ जाए आरती उतारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसा है, वो नाम कह दे तो लड़ाई लग जाएगा, क्या दरकार है आप ही समझो हैं, ये बाबा वो बाबा बहुत सारे हैं, वो विभूति हैं, कौन साई है कौन हंस है परमंस है, ऐसा नाम लेके सब हल्ला मचा रहे हैं दुनिया में हैं, किसी को शुद्ध भक्ति के बारे में कोई अक्कल नहीं हो रहा है। सो भूति वांछा विभूति वांछा और मुमुक्षा अर्थात मरने का भाई कोई कष्ट न सताए हैं। सो पारुत्रिक ऐहिक ऐषणा भूतिकाम मुक्ति कामना, ये चारों किस्म का औसत तृष्णा ये हमारा हृदय से इसको भगाना है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले इस बारे में चर्चा किया था अपराध के बारे में, अंग्रेजी कथा में अपराध चार किस्म का होता है, अपराध भी चार किस्म का, एक कृष्ण नाम भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम पे अपराध कि भगवान का स्वरूप पे अपराध, भगवान का स्वरूप पे अपराध, भगवान का नाम पे अपराध, भगवान का स्वरूप पे अपराध हो गया, और कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप कृष्ण भक्तों में, आ दूसरा कोई नौरे अन्य नौरे अन्य भक्ति में ठाकुर जी ने जे कृष्ण नाम स्वरूपेशु तदियो चित्कनेशु च हैं विभिन्नांश जीव ज्ञा बुध गणेर नित्यम अपराध चतुर्विधा हैं। तो इधर बताया कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप भक्त भक्तों भक्तों का साथ अपराध हो गया, और अन्य नौर अगर होते हैं किसी को कृष्ण भक्ति छोड़कर ज्ञान मार्ग में कर्मकांड में उसको घुमा दिया, एक किस्म का अपराध होता है। जीवों का जो स्वरूप है स्वरूपगत जीवों का स्वरूपगत जो विचार है, जीवों का स्वरूप का जो विचार है विचार को उल्टा व्याख्या करके उसको कर्म मार्ग में ज्ञान मार्ग में किसी की जय में उसको घुमा के उसको कृष्ण भक्ति का बारे में बताया नहीं, ये जो है अन्य नौर में अपराध होता है अन्य नौर इसका साथ, क्योंकि हर जीवों का हर एनो आदमी का जो अंदर में भगवान बैठा होता है ही है। सो कृष्ण नामे कृष्ण स्वरूपे भक्तों में अन्य नौर में भ्रम से उल्टा पलटा होने से विचार में उल्टा पलटा होने से अपराध चतुष्टय होता है। और इसके बाद हृदय दौर्बल्य वीकनेस ऑफ हार्ट, ये वीकनेस ऑफ हार्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वीकनेस ऑफ हार्ट साधु का अंदर में बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और होता भी नहीं, बिल्कुल पक्का साधु का हृदय में हृदय दौर्बल्य नहीं रहता। हृदय दौर्बल्य का अगर मेटेरियल व्याख्या करे तो उसको अनस्मार्टनेस बोला जाता है। हृदय दौर्बल्य का व्याख्या अगर हम करें आपको समझाने के लिए, और मेटेरियल जगत में थोड़ा प्रिलिमिनरी कंसेप्शन दिलाने के लिए, तो ये है अनस्मार्टनेस। हृदय दौर्बल्य रहना मतलब अनस्मार्टनेस, अर्थात स्ट्रेटनेस ऑफ हार्ट इज नॉट देयर, अर्थात अंतर और बाहर में दूजा भाव है, दूजा भाव एक किस्म का नहीं। तो कृष्णेतर विषय जो कृष्ण सेवा में लगने वाला नहीं है, ऐसे तो कोई भी वस्तु को कृष्ण सेवा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा सकता है, फिर भी आपका जिंदगी में हमारा जिंदगी में जो वस्तु कृष्ण सेवा का साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, नहीं है, हमने बनाया नहीं,
कृष्ण का साथ सेवा का ये कृष्ण तरो विषय। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे एक टेलीविजन लाया घर में, गरीब घर है फिर भी लाया, कैसे समय को कटाए। हमारा समय मिलता नहीं, आदमी को समय कटाना चाहिए। ये कृष्ण सेवा में कैसे लगाए, वो लोग सोचता है। ये कृष्ण सेवा में कभी कभी कोई भक्त अगर विचार करे उसका उल्टा व्यवहार हो जाता है। कृष्ण तरो विषय, और कृष्ण तरो विषय आसक्ति, जो कृष्ण सेवा में नहीं लगने वाला ऐसा विषय में आसक्ति है, और कुटी नाटी छोटा मोटा विषय है, हैं प्रसाद प्रसाद रखने के लिए बोला था, आके देखा परमाणु और दही मेरा प्रसाद का थाली पे नहीं है, छोटा मोटा विषय इसको लेके लड़ाई लगा दी। प्रसाद तो हर चीज़ है, हैं तो कुटी नाटी विषय है, छोटा मोटा विषय है। और परद्रोह, दूसरा वो द्रोह करना, हिंसा करना, परद्रोह और प्रतिष्ठा। परद्रोह का बारे में थोड़ा ये विचार होनी चाहिए, परद्रोह दूसरा का द्रोह करना, अर्थात जीवों का हृदय में भगवान का अधिष्ठान है, ये विचार छोड़कर, ये विचार बिल्कुल नहीं है। और परद्रोह करा, दूसरे को कष्ट देना, ये सब जो है इसका पीछे, ऐसे तो बाहरी दृष्टि में लगे इसका पीछे क्या रहस्य है महाराज, भले सब कोई का पीछे ये जो हिंसा है, विद्वेष है, परद्रोह है, ये सब का एकदम सूक्ष्म विचार करो, इसमें आएगा विचार आएगा, हृदय दो बोल लो, हृदय दो बोल लो, इसका पीछे आएगा कारण। और प्रतिष्ठा आशा ऐसा चीज है जो मर मिट जाए फिर भी प्रतिष्ठा आशा जाने वाला नहीं, ऐसा विचार है। और ये चारों को हृदय दुर्बल बोल के शास्त्रों में विचार बताया। और चार विषय में खुल्ला खुल्ला बहुत गहरा विचार होने से अच्छा है, क्योंकि ऊपर ऊपर विचार होने से कोई किसी को अगर समझ में नहीं आए तो मुश्किल है। जो भी है, प्रभुपाद का कहना है जीवे दया करना मतलब है जीवों का जो विपरीत रुचि है इसको चेंज करना। तो जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये तीनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। महाप्रभु जी ने चैतन्य चौथम में तो बताया, जीवों में दया करना अर्थात जीवों को भगवत मुखी बनाना, और नाम में रुचि होना, और वैष्णव सेवा, वैष्णवों का सेवा, वैष्णवों का नाम लेकर किसी धोखेबाज का सेवा कर दिया उसका लिए जुमा भक्ति में ठकुर नहीं है। जो भी है ऐसा करके विचार बताया। अभी विचार आता है, अभी ये गीता का ये विचार आता है जे प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा विदुरासुरा न शौचम नापी चाचारो न सत्यम तेषु विद्धते। पद्म पुराण का श्लोक बताया था, जो ये तमाम जगत में विचार करके देखे तो जीवों का दो किस्म का स्वभाव मिलता है, एक असुर स्वभाव और एक दैव स्वभाव। और असुर स्वभाव का अंदर में राक्षस स्वभाव भी उसको गिनती में लाया गया। दौ भूत सर्गौ लोके यस्मिन् दैवो आसुरैव च विष्णु भक्तः स्मृतो दैवो आसुरस्तद् विपर्ययः। ये दोनों विचार किया गया। और 7 नंबर श्लोक में 16 नंबर अध्याय का यह विचार बताया भगवान श्री कृष्ण, ये प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्धते। विचार बताया, जिसका असुर स्वभाव का आवेश है, जिसका असुर स्वभाव का आवेश है, और क्या कह सकता, आवेश ही भूल सकता, नहीं तो ये असुर स्वभाव
चेंज हो जाए वो दैवी भाव आ सकता। दैवी भाव आने का बाद भी एक्सट्रीम पॉइंट भक्ति मिले, भगवान का सेवा में अपना जीवन का अर्पित करे, ये भी हो सकता, पॉसिबिलिटी दे। सो असुर स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, ये लोगों का धर्म में प्रवृत्ति ना है, नहीं है धर्म में, धर्म में प्रवृत्ति अधर्म से निवृत्ति वो जानता ही नहीं। धर्म में प्रवृत्ति का कोई विषय इसका हृदय में नहीं है, और अधर्म से निवृत्ति जो हो जाए ऐसा कोई विचार इसके अंदर में है नहीं। धर्म में प्रवृत्ति आ जाए और अधर्म में निवृत्ति आ जाए, ये कुछ नहीं जानता, ऐसे ही जिंदगी गुजर रहे। सो धर्म में प्रवृत्ति इसका नहीं है, अधर्म में निवृत्ति कुछ नहीं है इसका अंदर में। और ऐसा किस्म का असुर भाव वाले जो व्यक्ति हैं, ये लोगों का अंदर में कभी भी शौच माने अंतर शौचो और बहिर शौचो, दोनों शौचो के 10 बार नहा ले कपड़ा धोपड़ा धोकर, ये शौच नहीं है। अंतर शौच है भगवान का चिंता, गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका चिंता को कायम रखे हृदय में हर वक्त, ये शौचो आचार का सबसे बड़ा चीज है। अंतर शौचो इसको बोला जाता है भगवत श्रुति, और बहिर शौचो बाह्य शौचो है नहा लेना, अपवित्र स्थान में नहीं बैठना, अपवित्र कपड़ को नहीं लेना, अपवित्र व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना, ऐसा करके अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा जस्वरित पंडरिकाक्षण सपह्यावंतरम सूची ही, ये विचार है ना शास्त्रों में हमारा, अर्चन पद्धति में है ना, अर्चन पद्धति में बताया गया। देखो जिसका अंदर में भगवान का स्थिति रहता है, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था को, तो पवित्र हो अपवित्र हो, पवित्र वा अपवित्र वा सर्वावस्था को तो पीवा जो स्वरित, जिसका अंदर में भगवत श्रुति नहीं है वो चाहे 10 बार गंगा में नहा ले, वो असली पवित्र नहीं है। बस गंगा नहाने का ये हो सकता उसका जो पाप है वो धुल जाएगा, लेकिन पाप का जो बीज है रूट कॉज ये जाने वाला नहीं। पैसा वाला जो धनी व्यक्ति दिल्ली में बम्बे में मारा तो सारे जगह गंगा नहाने के लिए एक नियम बना लिया, क्योंकि गंगा नहाने से जो पाप करके आए हैं वो गंगा जी को अर्पित करके जाए और क्या। सो पवित्र वा अपवित्र वा सर्वावस्था गत हुई, जिस अवस्था में भी रहो, जो भगवान का स्मृति को कायम रखे हृदय में वो पवित्र है। अब सोच लो किस लिए बड़ा बड़ा संत महात्मा जो है भक्तिविनोद ठाकुर भोपाल बड़े बड़े गुरु वर्ग ये लोगों को अपवित्र करना संभव नहीं है, कि कंटामिनेशन है नहीं हर वक्त भगवत स्मृति। सो प्रवृत्तिंच निवृत्ति, सो क्या लिखा है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका अंदर में ऐसा आप विचार करके देखना, आपका भी अड़ोस पड़ोस में यहाँ तक कि घर में भी हो सकता है, आपका घर में मौजूद है असुर स्वभाव वाले, हो सकता ये असुर स्वभाव वाले के विचार को विचार करके देखना। इसका अंदर में शौच आचार, आचार मतलब शास्त्रों का मुताबिक जो अपना आचरण को कंट्रोल करना, टू रेगुलेट करना, ये आचार है। आचार मतलब सॉस नहीं, रोटी देके आचार खाओ ये नहीं, ये शौच आचार, शौच पहले बता दिया, आचार का मतलब शास्त्रों का मुताबिक अपना जीवन जिंदगी को रेगुलेट करना, ये बड़ा विपत्ति है। आजकल का जमाने में कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, दे थिंक इट इज़ वन काइंड ऑफ हेडेक, और जो महाराज बोले उसको छांट दो, उसको समाज से छांट दो, ये इतना बोलता है
बाप रे, वो सोचता ही नहीं, यहां तक इसका विचार जाता ही नहीं, वो कैसे करे। तो इट इज वन काइंड ऑफ हेडेक फॉर प्रेजेंट यू नो मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जो है इसका लिए एक हेडेक है। ये सपने में भी सोच नहीं सकता कैसे शौच आचार को जिंदगी में कायम रखा जाए। एकमात्र जिसका जिंदगी में भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद है ना गुरुवर्गो का कृपा हुआ, अगर हम शिला भक्ति प्रमोद पूर्वी श्री गुरु महाराज परमहंस गुरुदेव का आचरण नहीं देखते तो थोड़ा अधूरा रह जाता। जब भी शास्त्र में पढ़ा है फिर भी साक्षात देखा है उसका प्योरिटी, इसका आचरण, तो समझ में आया, धक्का लगा दिल में ऐसा। और उसी विचार को लेकर जिंदगी को गुजारने का इरादा है। अब देखे ठाकुर जी क्या करे, बाकी आगे तो ठाकुर जी का इच्छा है, जो जो वस्तु कह नहीं सकता। तो शौच आचार और ऐसा असुर भावों का, असुर अर्थात राक्षस भाव या असुर भाव जिसका अंदर में भरपूर है, ऐसा किस्म का व्यक्ति के अंदर में सत्य निष्ठा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, दिखाए धीरे धीरे दिखाए क्यों नहीं है। सत्य परायणता, आप अगर कहो, आप अगर विचार उठाओ, महाराज जरासंध तो असुर है, वो तो थोड़ा शौचाचार दिखाया बाहर में, पहला बात है कि उसका शौचो तो बिल्कुल नहीं है। और आचार कहे तो एक्सटर्नली वेदों का ऊपर जो सब विचार है थोड़ा बहुत ग्रहण किया, लेकिन सारे पानी में गया जब भगवान का विरोध किया, है ना। आई बात समझ में। अगर आप ये कहो कि जरासंध महाराज जोगो करता था और अतिथि बेला अर्थात 12-1 बजे का अंदर कोई अगर आ जाए उसी को उसको विमुख होके जाना नहीं पड़ता था, कुछ भी मांगे तो दे दिया करता था, वो तो है ठीक है। लेकिन कुछ भी करे, जरासंध का अंदर में भगवत विरोध के कारण सारे थोड़ा बहुत गुनावली अगर कुछ भी अगर आप सोचते हो कि है, वो भी पानी में गया, कुछ नहीं है। क्योंकि जिसका अंदर में भगवान का विरोध है ये तो असुर है, उसका शौचाचार जो है पहले से खत्म हो चुका। और वो अगर कहे, आप अगर ये तर्क उठाओ महाराज उसका तो सत्य निष्ठ है, वो कहते थे 12-1 बजे का अंदर अतिथि बेला मतलब दोपहर का भोजन का टाइम में अगर कोई अतिथि बेला जिसमें अतिथि को सत्कार करना चाहिए, गृहस्थी व्यक्ति के ये धर्म है, तो ये अगर इसका स्वतः निष्ठ तो है ही है, तो अगर ऐसा आप तर्क उठाओ तो पहला विचार ये है ये तो भगवत विरोधी है। शास्त्रों का विचार है जे यथा तर मूल निषेचन तिप्पन्ती तस्कंद भुजो पुशाखा प्राणोपहारस्य जतेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। भगवान अच्युतों को धक्का लगाकर फेंक दे और बाकी हम जीवों का दिखाए, कोई आया महाराज अतिथि साहब में उसको सगे संबंधी और दोस्त बिना बुलाए अतिथि आए तो उसका सेवा कर दिया, इसका क्या कीमत है, इसका कोई कीमत है, इसका कोई कीमत है क्या, कुछ कीमत है नहीं। इसका सत्य निष्ठा नहीं है क्योंकि परम सत्य वस्तु भगवान है, भगवान परम सत्य वस्तु है, परम सत्य वस्तु द एब्सोल्यूट तत्व भगवान है। और भगवान को ही धक्का लगा दिया, फेंक दिया, तो उसका सत्य का क्या कीमत है। आई बात समझ में। परम सत्य वस्तु भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको ही फेंक दिया तो तमाम सत्य जो है भगवान से आ रहा है, तो भगवान को ही फेंक दिया तो उसका सत्य का, इसका सत्य का क्या कीमत है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत विचार बना के दिखाया, समाज में ऐसा भी आदमी है बहुत सारे आदमी हैं जो भजन नहीं करते, बट देयर आइडियलिज्म, एक्सटर्नली देयर आइडियलिज्म इज वेरी हाई। सरोजिनी नायडू, देशबंधु चित्तरंजन,
ये सब बहुत सारे हम उदाहरण दे दे, कई सारे उदाहरण हम दे दे, इसका साथ हम प्रमाण करेंगे देयर आइडियलिज्म इज वेरी गुड। लेकिन भक्तिमान ठाकुर जी ने विचार बताया जैव धर्म में, चैतन्य शिक्षामृत में, आई बात समझ में? भक्तिमान ठाकुर जी ने विचार देखा, जो नीति, जो प्रिंसिपल, जो आदर्श भगवान को छोड़ के बाकी वस्तु को लेके कुछ दिखाना चाहता है, शेषर प्रतिष्ठा, शेषर नीति, शेषर मतलब स ईश्वर नीति, ईश्वर को साथ लेके नीति को अप्लाई करो, इट्स गुड। भगवान को काट छाट कर फेंक कर आप जगत में नीतिवान हो ऐसा प्रमाण करना चाहो, आदर्शवान हो, इसका कोई कीमत नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे वंदे मातरम लिखा है ना, कौन लिखा है, कौन लिखा है वंदे मातरम लिखा है ना, कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भक्तिमान ठाकुर जी ने बहुत समझाया, जब पोर्टफोलियो चेंज हुई ना, भक्तिमान ठाकुर जा रहा है क्या कहे श्रीरामपुर, और वो आया किशनगर। इस समय में पोर्टफोलियो चेंज करने के लिए टाइम चाहिए, पेपर वगैरह और ओल्ड फाइल उसको समझाने के लिए। तो इस समय में बहुत चर्चा हुआ था, लेकिन किसी भी हालत से मानने के लिए तैयार नहीं था। भक्तिमान ठाकुर समझाया, ये आइडियलिज्म, ए प्रिंसिपल, आदर्श है, कुछ भी है, ये जो इसका भगवान को छोड़कर इसका कोई कीमत नहीं है। तो जरा संदूर का अगर बोलो आप, महाराज सत्य निष्ठा है, उन्होंने बोला जो मांगेगा वही देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला युद्धंग देही, बोले ठीक है वही देंगे, वो भी उसका अंदर पर प्रिंसिपल है, देखो नीति है। उन्होंने छलांग लगाकर भीमों का साथ सबको के साथ लड़ाई नहीं शुरू की, उसका नियम नीति है। उन्होंने एक गदा क्लाब, एक गदा भीमों को दे, भीम को दे दिया, एक गदा, एक ही, उसमें कोई चुकलीबाजी नहीं है। जैसा गदा अपने खोद लिया ऐसा मापिक स्ट्रांग गदा भीमों को दे दिया और आए बहा लड़ाई शुरू की। तो ये जो है, आप किसी भी तरीका से समझने का कोशिश करो, आप देखोगे ईश्वर को छोड़कर ये नीति है, प्रिंसिपल है, आदर्श है, जो कुछ भी है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो इसका अंदर में सत्य परायणता नहीं है। जब भी हमने दिखाए शास्त्रों का विचार उठाकर, ये असुर राक्षस ये लोगों का अंदर में भी कभी कभी सत्य निष्ठा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड निराधार है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये निराधार है, क्योंकि परम सत्य वस्तु भगवान को ही छोड़ दिए, तो इसका क्या कीमत है। तो विचार ठीक बताया भगवान श्री कृष्ण, जो विचार उठाया इधर, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान ने ऐलान कर दिया संभव ही नहीं, इसका अंदर में शौच आचार और आदर्शो सत्य निष्ठा ये हो, ये कैसे होगा? क्योंकि शौचो आचार, ये शौचो आचार जो है ये पक्का एकदम शास्त्रों का मुताबिक हम व्याख्या करें, वैष्णव दर्शन के अनुसार जिसका अंदर में शौचो आचार है उसका अंदर में सत्यपरायणता, सत्यपरायणता, सत्यनिष्ठा जरूर है। भले आप अगर विचार उठाए क्यों ऐसा क्यों है, आप अगर विचार उठाए क्यों महाराज ऐसा क्यों है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका शौच आचार है सत्यनिष्ठा नहीं है, भले हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इट इज लाइक मैथमेटिक्स, जैसे गणित है ना, मैथमेटिक्स का माफिक, जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो ए मस्ट बी इक्वल टू सी, जिसका अंदर में हम प्रैक्टिकली दिखा देंगे। आप अगर आओ मैं दिखा देंगे प्रैक्टिकली, जे जिसका अंदर में शौच आचार है वो जरूर सत्यनिष्ठ है, और जो सत्यनिष्ठ नहीं है मिथ्या को आश्रय के उसका अंदर में शौच आचार नहीं रह सकता। ये इंटर रिलेटेड पक्का शास्त्रों के हिसाब में हम मैथमेटिक्स से मापिक प्रमाण कर देंगे।
और बहुत उदार है महाराज, वो बहुत दान दक्षिणा देते रहते, कुछ भी करे, लेकिन हम साबित करके रख साबित कर देंगे इसका अंदर में शौचाचार नहीं है, वो दिखावा है। वो साधु संग कर रहा है अपना प्रतिष्ठा के लिए, असत्संग कर रहा है उस, जबकि उसको मालूम है, जबकि उसको मालूम है गुरु वैष्णव का सिद्धांत में सुना है, पहले भी बहुत बार वार्निंग दिया, बहुत बार हमने सावधान किया, इसका साथ मत चलो, इसका साथ मत चलो, ऐसे मत करो, ऐसे भक्ति नहीं होने वाला, कभी नहीं हो, मेरा बात ठुकरा दिया, माना ही नहीं, लात मार दिया मेरा बात। बाद में जब लात खाया, पुलिस केस हुआ, तब बोले महाराज आप ठीक बताया, इतना सालों से आप चिल्ला चिल्ला कर हमने बताया, या मत जा, ये भक्ति नहीं है, इसका पास मत चल, मत चल, मत चल, सुना नहीं। अब जब लात लगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा बिगड़ा है, पुलिस केस हुआ, आ महाराज तब छोड़ दिए। ऐसा भी आगे भी ऐसा होने वाला है, चलो हम जितना भी सावधान करें सुनने वाला नहीं, चलो अपने आप समझे। तो ये जो है ऐसा है, असुरिक सृष्टि का विषय में बताया है, असुरिक सृष्टि में ये प्रवृत्तिंच इत्यादि, ये सारे श्लोक ऐसा धीरे धीरे चौकार के द्वारा, चौकार जैसे ये जो शब्द उच्चारण किया, नापी चाचारो, ये जो बताया था नौ ओपी च अचारो, इसको स्प्लिट अप कर लो संस्कृत में, नौ सौचम नौ है ओपी च अचारो नौ सत्यम तेषु विद्यते, आई बात समझ में। तो ऐसा करके ये चलता है, क्या करें, असुर सर्गो इतना टाइम तक, आगे बहुत सारे अध्याय पे भगवान दैवी गुणावली के बारे में साधु संत पूरा लक्षण बताए। अब इसी अध्याय में भगवान वर्तमान 12 श्लोक धीरे धीरे असुर सर्गों के बारे में खुलासा करना चाहे भगवान। ये असुर प्रकृति का जो है महाराज, ये अकिन मन लो, इसका अंदर में धर्म का प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होते, अगर बाहरी दृष्टि में होता है वो देखो विचार करके, वो धर्म नहीं है, धर्म जैसा है, धर्म जैसा लगता है, धर्म नहीं है, धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और बाहर में नाटक रचा रहे, और अधर्म में निवृत्ति नहीं, अधर्म करने में वो अपने को रोक नहीं सकता, वो करेगा ही, चाहे आपका आंखों का सामने या जो चालू है कौवा का मापिक, कौवा और गिदर का मापिक जो चालू है, वो सब साधु संत तो क्या करता है, वो बाहरी दृष्टि में है, आपका सामने आचार आचरण देखा, आ महाराज कितना विनम्र भाव है, उसको अगर पोल पोटी खोल दे तो आपको समझ में आएगा, उसको अगर पोल पोटी खोल दे समझ में आएगा कि कितना विनम्र भाव है, वो कसाई जैसा है, कसाई हो सके को साधु को भी, साधु का जीवन भी बर्बाद करे, उसका प्रचार हरिकथा भी सर्वनाश करे, कुछ भी, दे कैन डू एनीथिंग पॉलिटिक्स करके, वो होता भी है, चलता चल ही रहा, क्या करें, सारे बलराम जी का हाथ में है, जो देखना है बलराम जी करें, क्योंकि सोल प्रीचिंग अथॉरिटी बलराम जी है, हम तो छोड़ के रखा है, आपका इच्छा है चले, नहीं तो बंद करें, जो आपका मर्जी, हमारा कोई। सो ये जो है ऐसा मापी जो करेक्टर है, ये लोगों को जितना समझाओ, इतना मशगूल है अपना एंजॉयमेंट, अपना प्रतिष्ठा, अपना लाभ पूजा पद, इतना मशगूल है, तो आप जितना भी बोलो बाहरी जिसमें मीठा मीठा बात बोलेगा, लेकिन किसी भी हालत से गुरु जी का या कोई संत महात्मा का विचार ये लेने वाला नहीं है, लेगा नहीं, बाहरी दृष्टि में देखेगा इट इज वन काइंड ऑफ एन इट इज नॉट हार्मोनाइज,
ये लोग हार्मोनाइज कर नहीं सकता गुरु जी का सब, ये दिखाया गया रिकॉन्सिलिएशन, इट कैन बी कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। चलो जैसे पॉलिटिकल पार्टी करता है ना, चलो ठीक है वोट में जीतने के लिए थोड़ा कोअलिशन सरकार बना लेंगे हम। इसको हार्मोनाइज नहीं बोला जाता, हार्मोनी ए टोटली डिफरेंट थिंग। और ये जो रिकॉन्सिलिएशन वो अलग टर्म है। और केशव परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी मेरा गुरुपाद पद्म ने जी बताए, जो किसी का साथ अगर समझौता, किसी का साथ अगर आप समझौता करने जाओ तो आपका अंदर में जो अच्छाई है उसको छोड़ना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट, और उसका अंदर में जो बुराई है उसको लेना पड़ेगा। नहीं तो मेटेरियल एडजस्टमेंट रिकॉन्सिलिएशन समझौता हो ही नहीं सकता। यू विल हैव टू फॉरगो सम नेगेटिव पॉइंट इन दैट पार्टी ऑल्सो, यू विल हैव टू एक्सेप्ट समथिंग। आपको मालूम है नेगेटिव चीज है, लेना पड़ेगा नहीं तो समझौता होगा नहीं। लेकिन ये जो हारमोनी है ये टोटल डिफरेंट टर्म है। इसका साथ अगर कन्फ्यूजन कर दो तो आप मरोगे। हारमोनी हो सकता वैष्णव में, एक शरणागत निष्कपट शिष्य जो है इसका हृदय में गुरु जी के लिए कितना प्यार है कैसे समझोगे? आपका अंदर में तो सामान्य आकल नहीं है, विचार नहीं है, कैसे सोचोगे? जो गुरु जी का आचार आचरण निजे अपना जिंदगी में नहीं ले रहा है, बाहरी दृष्टि में श्रद्धा दिखा रहा है गुरु जी का, आरती उतर रहा है, लेकिन गुरु जी का आचार आचरण लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे समझो? जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, वो आपका नास को पकड़ कर बता देंगे क्या बीमारी है। डॉक्टर विदान चंद्र राय पहले, ये तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर वो नास पथ देख के बता दे, पेशेंट को देख के बता दे क्या हुआ। इसको बोलता है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ये आजकल का जमाने में सुदुर्लभ है, मेरा जिंदगी में देखा है दो एक दफ्तर हमारा अपना जिंदगी में देखा, जो विधान चंद्र के साथ काम किया है उसका पास गया, उसको देखा है, देखने से ही पता चलता काल क्या खाया था, बोल ठीक से रात को, अरे पहले घबरा गया, अरे कैसे क्या गाली दे रहा है, क्या खाया था बोल, ऐसा कर। तो जैसे ही है तो ये जो एक कौवा जैसा और गिदर जैसा चालू है, ये दे कैन शो एडजस्टमेंट विद गुरु वैष्णव एंड ट्राई टू प्रूव दैट यू आर फॉल्स, यू आर यूजलेस। गुरु वैष्णव का उल्टा प्रमाण कर देंगे, ये महाराज आजकल के जमाने में ये साधु बेकार है, चलेगा नहीं। और वो अपना जिंदगी जो है वो कौवा जैसा है, गिदर जैसा है, फिर भी वो साबित करके रख देगा, प्रमाण कर देगा जो हम ही प्रैक्टिकली हमारा मापिक जो है यही ठीक है। तो ये ऐसा कैसे उनका बिहेवियर जो है, वीकनेस अलग है, हमारा अंदर में कुछ वीकनेस है, हम ठीक है, हमारा अंदर में पावर नहीं है, हमारा अंदर में नहीं है उतना कृपा, इसलिए दुर्बल हूँ, दुर्बल जीव, ये अलग बात है। लेकिन इच्छा करके अपना वीक पॉइंट को, अपना बीमारी को, अपना कैंसर को अंदर में छुपा के रखे और बाहर में एक्सपोज करे, आई एम वेरी हेल्दी, ये सबसे बड़ा डेंजर है। ये आजकल का जमाने का स्मार्टनेस, आजकल का जमाने का ये सिविलाइजेशन, जो जितना अपना अंदर में कैंसर है, लेप्रोसी है, कुछ भी है, इसको छुपा के रखो, बाहरी कपड़ों एकदम सुंदर कपड़ा और फॉल्स डेकोरेशन का अंदर ऐसे छुपा के रखो, इसका नाम है प्रेजेंट सिविलाइजेशन, स्मार्टनेस। आई बात समझ में? अपना कोई अगर ऐसा विचार वाले हैं तो उसका तो करोड़ों जन्म में कोई मंगल नहीं होने वाला। अगर कुछ है हमारा अंदर में, हमारा कमी है, खोटा है, तो महाराज हम तो कन्फेस किया, हम तो स्वीकार किया हमारा अंदर में ऐसा कमी है, आप थोड़ा हमारा अंदर में महाराज कमी है, आप थोड़ा कृपा करके बचाओ। कीर्तन है ना, कोई नहीं कीर्तन करता, समय नहीं है, टाइम इज मनी, बट प्रभुपाद कह रहे हैं कि टाइम इज परमार्थ, कोई कीर्तन नहीं है, किसी का समय नहीं है ना, हर आदमी का समय नहीं, हमारा बस समय नहीं। अच्छा ठीक है,
तो ये जो है ये कभी भी कोई हमारा अंदर में कोई हमारा अंदर में थोड़ा कमी है ये चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन निष्कपट होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। निष्कपट है कि नहीं? मैं अपना ट्रीटमेंट हमारा बीमारी का इलाज गुरु जी से वैष्णवों से प्रभुपादों से कैसे कैसे करवाने का इच्छा रखता है कि नहीं, सबसे बड़ा चीज। लेकिन आजकल का जमाने का साधु साई, आजकल का जमाने का साधु साई मतलब कौन कितना कपट है, कौन कितना छुपा सकता है अपना वीक पॉइंट को और एक्सपोज कर सके, आई एम द ग्रेट, चलो मरो हम क्या करें। और कहने का मतलब है जी, इन लोगों को उपदेश देना, कई सारे व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कसम से बोलता हूं, बहुत बार प्रयास प्रचेष्टा किया, जैसे कि चलो नुकसान किया मेरा, मेरा तो कुछ नुकसान है ही नहीं, चलो फिर से अगर हो जाए, लेकिन बहुत प्रचेष्टा, बहुत प्रयास प्रचेष्टा करने के बाद हरि कथा भी गुरु वैष्णव का आदेश का अनुसार चर्चा किए और सब कोई के सामने और दिखाया कैसे चलना है जिंदगी, फिर भी वो माना नहीं, फिर भी हमको हमारा साथ चालाकी किया, क्या करें। तो ये जो है विचार बना, गुरुवर को विचार कर रहे हैं, जो ये जो वल्चर है और जो जैकल है फॉक्स, ये जो है ये लोगों के सामने में जितना उपदेश, इन लोगों का सामने में चाहे जितना उपदेश दे दो, कुछ होने वाला नहीं, कि कोई कौवा जैसा है वो चलो और अंतिम में बिष्ठा खाता है स्टूल। ये लोगों का कानों में बिल्कुल कोई उपदेश, चाहे प्रभुपाद जी का, चाहे भक्तिविनोद ठाकुर का, चाहे भक्तिप्रमोदपुरी के केशव कुशी में, किसी का उपदेश ठहरेगा नहीं, क्योंकि इसका मकसद अलग है, ठहरेगा नहीं। और ये कैसा उदाहरण दिया गुरु वर्गों ने, जैसे आग में जलता हुआ आग में हम खमाखा घी गब्बो घृतो, जलता हुआ आग में जैसे हम घी डालते रहे और घी जलते रहे, कुछ नहीं फायदा भाष्य। और यहाँ उदाहरण दिया, ये तो यज्ञों का टाइम में अग्नि में घी डालना, अगर ऐसा कोई अगर बोका है कि आग बुझ गया और भस्म मतलब छाई है, राख का ऊपर घी डालते चलो, कोई फायदा नहीं, ना तो यज्ञ होना है ना तो कोई प्रॉफिट है, कुछ नहीं होने वाला। भस्मी घी डाला, जैसे हमारा चंडीगढ़ का निष्किंचन महाराज कहते थे, भैंसों का सामने भेड़ी पीटना, कुछ नहीं होने वाला, वो लेगा ही नहीं, वो चतुराई से गुरुजी को चीट करेगा। दे लाइक टू मेक फूल ऑफ गुरुजी, गुरु वैष्णव को जानता है ये अनस्मार्ट है, गुरुजी क्या जानता है, गुरुजी को बोका बना देंगे, वो जानता नहीं, ही इज गोइंग टू टेक रिक्स ऑफ इन्फिनिट पीरियड, अनंत काल का रिक्स ले रहा है, ये अनंत काल का रिक्स, इतना बोका है गाधा जैसा, ये सोचता है कि आई एम वेरी क्लेवर वेरी श्योर, लेकिन ये इतना बुका है गाधा जैसा, गाधा भी नहीं, गाधा उससे चतुर है, चलो जो इच्छा मर्जी करो। और आठ नंबर श्लोक पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमान्यत कामहैतुकम। आई बात समझ में? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमान्यत कामहैतुकम, मतलब ये है ते जनहा, ये लोग ते जनहा
जगत अतः विश्व प्रपंच को असत्य मिथ्या है, जगत मिथ्या, इसलिए मायावादी लोगों को असुर, मायावादी लोगों को असुरों का अंदर गिनती किया गया। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति जो है ये जगत को असत्य आश्रयहीन बेसलेस निरीश्वर, कोई ईश्वर विश्व नहीं है, जैसे कंस, कंस इज द सिंबल ऑफ मायावाद, जरासंधर इज द सिंबल ऑफ मायावाद, ये मायावादी है। आश्रयहीन बेसलेस है, ए अनिश्वर, कोई ईश्वर विश्व नहीं है, बेकार कुछ नहीं है, निरीश्वर वो स्वभाव जातु। आप प्रकृति के अंदर में न जाने क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वभाव इन स्वभाव जातु, और क्या, अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्टिंक्ट प्रकृति के अंदर में होना ही था, हुआ, आई बात समझ, स्वभाव जातु। ये लोग मानता नहीं, प्रकृति का जो प्रधान है, ये जो विश्व प्रपंच है ये निराधार है, ये मानता है आश्रयहीन निरीश्वर, कोई ईश्वर विश्व नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, स्वभाव जातु, और क्या है, केवल काम से, काम डिजायर, काम से, काम दुर्गंध दूषित शब्द है, फिर भी अब ठाकुर जी बताया क्या करें, जैसे अक्सर आदमी जिसका कोई सेंस ऑर्गन में कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, वो अगर दशम स्कंदों का रासलीला चर्चा करे, ये कृष्ण नित्य कर रहे हैं गोपियों के साथ और क्या क्या सब चीज है वहां बताए, तो वो तो सोचे का मौका मिल गया हमको, भगवान अगर कर रहा है तो हम भी करें, इसको कोई पता नहीं, ये गोपियों जो है वो कोई लड़की नहीं है जगत का, दे हैव द कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, दुर्गंध दूषित मल मूत्रों और रक्त मांसों का कंसेप्शन लेकर भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है, इतना हिम्मत है, उसको चप्पल से स्वागत करना चाहिए, इतना हिम्मत है, और इसी को ही भजन माना जाता है, चलो ये भजन है कर लो मरो। तो ये जो ये लोगों को पता ही नहीं है, ये गोपियों का बारे में चर्चा आता है, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भीस्ताविर्ज इव निज रूपोत्तया कला भी, ये श्लोक को चर्चा करे, इसमें क्या सुंदर व्याख्या किया जीव को सही बात, और अंतिम में भक्तिवेन ठाकुर द्वारा सीधा व्याख्या किया, ये गोपियों जो है भगवान का शक्ति वो कुछ नहीं है, सब जड़ जगत का जैसा रक्त मांस का लड़की लड़का कंसेप्शन ये नहीं है, लेकिन ये लोग का अंदर में काम है भरपूर, ये समझना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल समझना नहीं चाहता, हमको समझने का दरकार नहीं, बस मिल गया हम भी करें एंजॉयमेंट, खाओ पियो जियो करो। संपूर्ण विपरीत है, कहां प्रेम और कहां काम, अतएव काम प्रेमे बहुत अंदर अंतर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, अतएव अतएव सो, अतएव मतलब सो, इसीलिए अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम है ना अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर, काम अंधा है, ये अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दौड़ता है कुत्ता बिल्ली का माफ। एक बड़ा अगर पंडित है संस्कृत का मतलब कुछ भी जानता है शास्त्रों ठीक है, लेकिन हमने खुद देखा है जिंदगी में बहुत कुछ जानता है, समाज में मान्यता प्राप्त किया है ये पंडित, लेकिन हम तो मानते नहीं अंदर से, हम जाने इसका कृष्ण भक्ति नहीं है, इसको भी काम में उलझते देखा है, लोभ लालसा में गिरते देखा, और नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित लिखा है, जो
काम में, क्रोध में, लाभ लो लालस में ये फंस जाता है, इसको हर हालत में इट इज वन काइंड ऑफ अपमान, ये अपमान है, ये अपमान है, ये अपमान है ज्ञानी व्यक्ति के लिए, ज्ञानी व्यक्ति के लिए अपमान है, इससे बढ़कर अपमान हो नहीं सकता। तावत भयम द्रविण देह स्वित निमित्तम, काल हम चर्चा करेंगे श्लोक, तावत भयम द्रविण देह स्वित निमित्तम तावत स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभः, ये हम चर्चा करेंगे, काल दिखाएंगे ये कितना सच्चा बात है। लोभ लालसा त्रिगुण का प्रभाव जब तक रहे कभी भी वो अपमान का दरवाजा में जाएगा, कभी भी मौत का घाट में भी जा सकता है, चाहे वो बाहरी दृष्टि में पंडित है उसका क्या कीमत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके दिखाया पंडित तो वो है जो बंधन और मोक्षों का बारे में जानकारी जिसको है, पंडितो बंध मोक्षवित, जिसको ये जानकारी नहीं है, सिर्फ संस्कृत का अनुसार विसर्ग इसका ज्ञान है, चाहे डिग्री हासिल किया दो चार डिग्री क्या फायदा है, जिसको ये पता नहीं है किससे इसी इस रास्ते में मैं चल रहा हूं इसमें बंधन होगी और इस रास्ते में जाए तो मुक्ति है, बंधन नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने खुलासा कर दिया, उद्धव जी इतना चतुर है, सारे हमारा लिए विचार करके भगवान को बुलवाया, प्रश्न किया, बुलवाया भगवान से, इतना चतुर है उद्धव जी महाराज। पंडितो बंध मोक्षवित, जो बंधन और मुक्ति मोक्षवित जो जानता है पूरा पक्का, जिसको नॉलेज है इसी रास्ते में चलेंगे तो बंधन जरूर, नहीं जाना है, नहीं लेना है ये पैसा, मेरे को नहीं लेना है, हर हालत में नहीं लेना है, नहीं चाहे जितना भी पैसा हो। तो गुरु वैष्णव का विचार है, गुरु जी को देखा है बाहर से भक्तों लोग आके कितना हजार डॉलर गुरु जी का हाथ में देते, गुरु जी बोले क्या है बे आपको, गुरु जी दे लाइक टू टच इट, आपका हाथ में स्पर्श कराना चाहते हैं। गुरु जी इस पर बच्चा का माँ भी स्पर्श करके दे देते थे, ऐसा ही है। तो जिसका दिल में लोभ लालची बचेगा तो हर हालत में उसको आप पोजीशन गिर सकता है, पोजीशन तो बोलो तो वैष्णव प्रतिष्ठा ये छोड़कर, क्योंकि वैष्णवी प्रतिष्ठा छोड़कर तमाम दुनिया का जितना भी प्रतिष्ठा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी प्रतिष्ठा, इसमें चेस्टिटी सतीत्व तो नहीं है। मेरा वह आएगा समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है महाराज, कोई चेस्टिटी नहीं है, सतीत्व तो नहीं है, बाकी प्रतिष्ठा का कोई सतीत्व तो नहीं है, दे आर लाइक प्रॉस, एकमात्र वैष्णवी प्रतिष्ठा का सतीत्व है, चेस्टिटी है। इस बारे में ठाकुर जी की इच्छा से चर्चा हुआ है, वैष्णव के हुई इज ए वैष्णव, वैष्णव कौन है, इस विषय के बारे में चर्चा हुआ, इसमें खुला चर्चा करने के लिए आदेश किया गुरु वैष्णव ने, कर दिया। तो असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहु रणीश्वरम अपरस्पर संभूतम, महाराज सृष्टि कहाँ से आए, भले ऐसे ही आए, अपरस्पर संभूतम किमान्यत काम हौतुकम, अरे काम छोड़कर क्या हो सकता, कुछ नहीं है। जैसे अंटिल रिसेंटली, मतलब ये 40 साल 50 साल पहले ये साइंटिस्ट लोगों का विचार थी जे ये जो जगत है वो बोल रहा था ये गैलेक्सी वे है, मिल्की वे, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और एनर्जी के द्वारा ये एजिटेटेड होकर ये सृष्टि का रहस्यों के बारे में
सृष्टि का रहस्यों के बारे में ये बताया करता था पहले का साइंटिस्ट। बोले मैस एक गैलेक्सी वे में मैस है, मैस एजिटेटेड होके विक्रिया होकर यही हुआ। बाद में एक क्वेश्चन आई, ये प्रश्न आया जो ये जो विक्रिया हुई, ये विक्रिया कैसे हुआ विदाउट एनी एनर्जी सप्लाई। भले कोई एनर्जी कहाँ से आया है, एनर्जी अगर बाहर से आया है देन व्हाट इज दैट सोर्स। आप अगर कहो तो बाहर ही किसी जगह से एनर्जी आया होगा, एनर्जी तो ऐसे नहीं आ सकता। किस सोर्स से आया है, क्यों आया है, इसका कारण क्या है। जैसे साइंटिस्ट लोग आजकल हैरान हो गया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख के हैरान हो गया कि इसका अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट में, प्रोफेसर नील्स बोर नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट लाइट्स है ना, ये बोला कैसे क्या है ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, ये कैसे करता है, क्यों करता है, इसका कोई फिक्स कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। साइंटिस्ट रूल है विचार करके दिखाया, अगर बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करता है, ठीक है, और जब एनर्जी सोर्स को हटा लो तो धीरे धीरे जब कूल डाउन ठंडा होते जा रहा है तो एक एक मेटल, एक एक किस्म का लाइट रे, कोई वायलेट है, कोई रेड है, कोई योलो है, कोई ग्रीन जैसा है, ऐसा एमिट कर रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन। और साइंटिस्ट लोग इन जनरल टेस्टिंग करके दिखा जो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का अंदर में कोई फिक्स नियम नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन जाम करके गया फिर आया, मानो कि लगता है इसका अंदर में कोई चेतन पदार्थ तो है ही है। मानो कि लगता है ये इलेक्ट्रॉन का अंदर में कोई चेतन भाव है, आर्बिटरी भाव, विल पावर है, नहीं तो कोई फिक्स रूल्स नहीं, आज तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना। तो आइंस्टाइन का जो थ्योरी है उसी को साबित करके दिखाना है। जो आइंस्टाइन समझ गया एक कोई भी वस्तु है, ये वस्तु का अंदर में इट इज पूंजीभूतो माने ये वस्तु है लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पूंजीभूतो। जो गीता जो हमारा चंडी पाठ में जा देवी धर्म सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता आ गया, वेडनेसडे को होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो है इसमें क्या है, क्या रखा, ये सीक्रेट प्रॉपर्टी जो आइंस्टाइन समझा असंभव है, ये समझ गया ये समान वस्तु जो है ये सब एनर्जी है और कुछ नहीं, और देवी जा देवी सर्वभूत शक्ति रूप में ये तो है ही है, ये चंडी पाठ में है। इसलिए फॉर फ्यूचर प्रेजेंट एंड पास्ट तीनों कालों में आइंस्टाइन को सबसे नंबर वन साइंटिस्ट माना जाता है। यहाँ तक कुछ पहुँच नहीं पाया, हो सके मैथमेटिक्स समाधान किया हमारा सत्येन बोस आइंस्टाइन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो भी है। चलो तो ये जो बोका लोगों का कहना है जो ये महाराज गैलेक्सी वे में कुछ मैस है एजिटेटेड होके ये फिर ये जगत ये तैरी हुआ निर्माण हुआ, पहला बात तो ये एनर्जी कहाँ से आया, सोर्स कहाँ है ये दिखाओ, ये दिखा नहीं पाए। अब लेटेस्ट साइंटिफिक प्रमाण है अ लो माउन ऑफ साउंड वाइब्रेशन, वेरी सुंदर मीठा एक शब्द कंपन से ही जगत आया, ये नासा का लेटेस्ट डिक्लारेशन। आगे चलेगा, वो लोग विचार कर रहे हैं कहाँ भगवान अनंत रूपी हरि और कहाँ छोटा मोटा साइंटिस्ट, कहाँ तक चले इसका विचार। तो असत्यम अप्रतिष्ठान्ते जगदाहु रणीश्वरम
अपरस्पर संभूतम किमान्यत काम हेतुकम। अरे काम छोड़कर क्या हो सकता है, ये काम है कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है इसमें, ऐसा चिल्लाता है, ऐसा चिल्लाता है। देखो कॉज एंड इफेक्ट बोल के साइंटिस्ट विचार है विज्ञान का, ये ऐसा ही विचार कर रहे, क्या करें। तो ये जो असुर लोगों का विचार है, वो लोगों का सिद्धांत, असुर लोगों का सिद्धांत तो थोड़ा विचार करके दिखाए, जैसे मायावादी लोग कहते हैं कुछ नहीं है ये, जैसे जैसे रज्जु भ्रम सर्प में, सर्प मैं सांप लग रहा है, रज्जु भ्रम रज्जु में सर्प भ्रम सॉरी, एक रस्सी लटका रहा है और लगेगा कि ये सांप है, ये मायावादी लोग ये विचार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि और विचार कर रहे हैं जे जैसे रूपा, रूपा मान सिल्वर है, रूपा में रूपों में एक भ्रांतिमूलक रूपों में रजत है ना, रजत आदि रूपों ज्ञान इससे जगत में ये सुक्ति, सुक्ति मतलब झिनुक, झिनुक जानते हो ना, जानते नहीं हो, जो समंदर का किनारे बहुत मिलता है ना, इसको झिनुक बोला जाता है, सी सेल, सी सेल बोले तो ये भी ठीक नहीं, क्या नाम है जो भी, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है झिनुक है, और ये बाहर में इतना चिकना है टोकाश, वो बाहर में लगेगा कि इसका अंदर में इसका मुक्ता है, रजत में मुक्ता है लगेगा, फहमी गलत फहमी है, ये जगत है ही नहीं, ये जगत है ही नहीं, ये मायावादी का विचार है, जगत कुछ है ही नहीं, ये तो सपना जैसा है, ये कुछ नहीं है, ऐसा करके मायावादी लोग का जगत असत्य है, निराधार है, ऐसा करके बताए ये लोग, बहुत सारे तर्क उठाया है लोग करके विचार दिखाए, जो ऐसे ही सृष्टि हुआ। ऐसा है से भगवान वर्तमान श्लोक में असुर प्रकृति, असुर प्रकृति वाले, असुर प्रकृति विशिष्ट जनगणों का सिद्धांतों व मत, हम कई मत, हम दो चार मत आपको दिखाए, जैसे अभी हम बताए मायावादी का है, मायावादी का है, अद्वैतवादी का ज्ञान, मायावादी का विचार, मायावादी का मत में जगत असत्य है, अप्रतिष्ठ निराधार है, अनिश्वर है, कुछ नहीं है, सांख्य योग में ये प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति बोलो और कुछ नहीं, आई बात समझ में। चार्वाक जो है ये एकदम कठोर वस्तुवादी, कठोर वस्तुवादी चार्वाक, चार्वाक ऋषि ने ये बताया ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत है, अरे पैसा नहीं है तो कर्जा कर लो, करके घी खाओ, नहीं तो मर जाएगा तो कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं रखा, सारी छोड़ दो बस, ऐसी जिंदगी मिला मौज कर लो, ये चार्वाक का नीति है, ये चार्वाक का शिष्य है, तमाम जगत जो है चार्वाक का शिष्य है, मैटर छोड़ के कुछ समझता ही नहीं, चार्वाक का नीति है, जावत जीवेत सुखम जीवेत, चार्वाक का नीति है। और हमारा समाज में हर आदमी चार्वाक का नीति को ही अपनाया, देखो विचार करके है कि नहीं, तमाम दुनिया चार्वाक का, चार्वाक ऋषि का नीति अपनाया, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
जितना दिन तक जियोगे मौत से जियो, कुछ नहीं रखा है मरने का बाद। अरे हैं भस्मी भूतस्य देहस्य कूतो पुनरागमनम, अरे जला दिया गया, कहां से आएगा शरीर, बेकार की बातें है। शरीर को जला दिया गया, कहां से आएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कूतो, कहां से आएगा, कुछ नहीं रखा, खाओ पियो जियो, कर्जा ले लो, उधार कर लो, और उधार को कर्जा उतारने का दरकार नहीं हो, खाओ पियो चलो एंजॉय कर लो। ये चार्वाक ऋषि का शिष्य है, जितना सारे राक्षस है असुर लोग है ये है, और बुद्धिस्ट जो है उसका विचार अलग है, जैमिनी जो है ये अलग विचार है, एक एक व्यक्ति का विचार जो है ये सारे हैं क्या है असुर। अब बोलने जाए तो लड़ाई लग जाएगा, विचार करके देखा फिर भी नहीं मानेगा। जैन है, बुद्ध है, मायावादी है, सारे राक्षस असुर, कुछ नहीं रखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी ये बात को खुलासा की, असुर गणों का जो मत है, कंसेप्शन है, जगत को असत्य बोल के पुकारता है, बुलाता है, मिथ्या भूत हो, कोई झूठा है, भ्रम, इट इज वन काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन, इट इज वन काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन दैट यू आर फीलिंग द होल वर्ल्ड इज देयर, भ्रम द्वारा उपलब्ध है, अप्रतिष्ठम इसका निराधार है, आश्रय नहीं है, आश्रय अनिश्वर विश्वनाथ जगत, ऐसा करके अशिद समीपा जी ने बताया। अगर कोई बोले, यदि अगर कहता है कोई वेदोक्त धर्म अधर्म विषय प्रवृत्ति निवृत्ति है ना क्यों नहीं जानता है, ये जानना चाहिए था, कैसे ये लोग धर्म अधर्म क्यों अंगीकार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों का तो बयान है। इसका उत्तर देते हुए सीधा सीधा साईं बाबा जी ने बताए, ये उत्तर ये है कि ये लोग वेद पुराण आदि शास्त्रों का प्रमाण मानता ही नहीं, सच्चा बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताए सारे ये लोग मानता ही नहीं, तो आप अगर विचार दिखाओ, आप अगर विचार दिखाओ वेदों का है, कुछ नहीं है, वो राक्षस है, असुर लोग इनो ये सब किया है, वो कुछ नहीं रखा है इसमें, अर्थात ये लोग वेद पुराण का प्रमाण आदि इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसका कोई रियलिटी नहीं है, ये मानता है जगत असत्य, शास्त्र तो बेकार है, ये लोग मानता नहीं। अगर वेद पुराण आदि ना माने तो जीवन जिंदगी गुजारे कैसे, कुत्ता बिल्ली का मत अनकंट्रोल क्या करे, अगर जीवन जीवन जिंदगी रेगुलेटेड नहीं है तो कुत्ता बिल्ली का जिंदगी आना है तो और क्या है, और क्या है, वेद पुराण उपनिषद इसका प्रमाणिकता, इसका जो ऑथेंटिसिटी तो मानता ही नहीं। नास्तिक लोग ये ऐलान कर दिया, नास्तिक लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि भंड है, पाखंडी है, अधूर्त तो वह चतुर और निशाचर, ये लोग जो शास्त्रों का करता है, शास्त्र वास्तव मत मानो, क्या है, कुछ नहीं है सब, ये इसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ नहीं रखा, बेकार, ऐसा करके सीधा साईं पाद ने आगे चलकर रखा करके दिखाए। अब देखो ये विचार सारे जगत में चल रहा है, कौन माने, जो धर्म भय पहले जमाने में आज से 100-200 साल पहले भी धर्मों का भय रहता, आज धर्म का भी भय नहीं है, कोई मानता ही नहीं, धोर धर्म क्या है, जो आए वो एंजॉय कर लो, कुछ नहीं रखा। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमान्यत कामहेतुकम, हो गया। आगे चलकर भगवान कह रहे हैं, एताम दृष्टिम अवस्टभ्यो नष्टात्मा नष्टात्मनु अल्पबुद्धयो
प्रभवन्ति उग्र कर्मणः कर्मणः खयायो यगतो अहिता। क्या बताया? एताम दृष्टिम अवस्थभ्यो नश्चात्मनो अल्पबुद्धयो प्रभवन्ति उग्र कर्मणः खयायो जगतो अहितः। क्या बताया? एताम दिस वे, इसी मुताबिक दर्शन अवस्थभ्यो, ये दर्शन को अपनाया, मेटेरियल दर्शन, जड़ दर्शन को अपनाया, अवस्थभ्यो अपनाया, आश्रय करके नष्टात्मन हो आत्मतत्व ज्ञानहीन, जो व्यक्ति का आत्मतत्व ज्ञान नहीं है वो नष्टात्मन हूँ बोला जाएगा। ये आत्मा तो नष्ट एव ही, नष्ट तो हो ही गया और क्या रखा। नष्टात्मन हो मतलब आत्मतत्व ज्ञानहीन, अल्पबुद्धि हो, अल्पबुद्धि वाले, अकलमंदी जो है, उग्र कर्मण हिंसा हिंस्र कर्मण, ए प्रचार बंद कर दो, हरिकथा बंद कर दो, उधर मत जाने देना महाराज को, इधर बंद कर दो, इसको ऐसे कर दो जो आप ना करे सेवा, करो उग्र कर्मण हिंसा। हमने फोरकास्ट कर दिया, साउथ इंडिया में किसी दो व्यक्ति ने गया ट्रीटमेंट के लिए और एक ट्रांसलेशन करती थी अमेरिका का, हमने जब खबर आया उधर गया, हम देखो वह नहीं करेगा, वो लोगों का संग करके आएगा ना, वो नहीं करेगा, ठीक था ही। ऐसा पॉइजन कर दिया जैसे ना करे, प्रभुपाद का बात है ना, याद है ना, बालो यदि ना करते पारि मंद करते पारि एखन की दिवि ताई बोल, हमें अच्छा नहीं कर सकता, बुरा कर सकता। अब गाना चलता है जगत में, माइक में चलता है। अगर किसी का भला अगर नहीं करो वृंदावन में, ये लिखा गाना चलता है, किसी को बुरा नहीं करना, लेकिन ये लोगों का कैटेगरी में नहीं आता, ये लोगों को अगर इसी कैटेगरी में डाला जाए वो भी नहीं हो सकता। कम से कम तो ये लोग अच्छा नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता, चलो ठीक है रहने दो, लेकिन ये लोग सत्यानाश करके छोड़ेगा पूरा संप्रदाय को। हम नित्यानंद प्रभु का नाम से है ना चरण छो के बोल रहा हूँ, सत्यानाश करने वाला सब है, तैयारी हो गया सारे जगत को अपना प्रतिष्ठा, चलो ठीक है करो जो इच्छा। ऐसी प्रकार का मेटेरियल सिद्धांत विचार को अपनाया, ये राक्षस दर्शन है, असुर दर्शन है, ये असुर दर्शन को, ये असुर दर्शन को हृदय में लेकर ये लोग तमाम दुनिया को सत्यानाश करने के लिए हैं, जुटे हुए हैं, तमाम दुनिया का सत्यानाश करने के, किसी को समझने नहीं दो, ये लोगों का प्रतिज्ञा है, ये लोगों का प्रतिज्ञा लेके निकाला है घर से, किसी को समझने नहीं दो, देयर इज वन एब्सोल्यूट ट्रूथ वेटिंग फॉर यू, आपका लिए परम सत्य वस्तु, परम आनंदमय वस्तु अपेक्षा कर रहा है, इसको समझने नहीं दो, इसको अटेंशन घुमा के मेरा व्यवहार जो मैं, मेरा मीठा मीठा व्यवहार बातें हैं आचर आ चलो। हर पोपत क्या कर रहे हैं, धर्म ध्वज गणेर धर्म आचरण बद्धलिप बद्ध जीव के आरो अधिकतर बद्ध दशा लिया जाए, कल चर्चा करेंगे। घुमा फिरा कर उसको ऐसा घुमा दो जैसे उसको समझ में नहीं आए, अनुभव में ना रहे कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य वस्तु, परम आनंदमय वस्तु तुम्हारे लिए अपेक्षा है, ये शरीर कुछ भी नहीं है, आज नहीं तो कल जाने वाला है, ये समझे समझने नहीं, चुटकी कुल्ला ये सब देके उसको बिजी रखे, ऐसा करके उसको ब्लाइंड बना दे। एतम दृष्टिम अवस्थभ्यो नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो, भगवान इसको अल्पबुद्धयो अकलमंदी कम बुद्धि वाले, सोचता है बुद्धिमान, अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन दे आर ऑल इंटेलिजेंट, मेरे भगवान उसको बुद्धिमान नहीं कहते। एताम दृष्टिम अवस्थभ्यो
नष्टात्मनो अल्पबुद्धयोः प्रभवन्ति उग्रो कर्माणः छायायो जगतो अहितः। और ये हिंस धर्मो, ये अदैव वर्ण जो है, अदैव भाव, असुर भाव, ये इसको लेकर हिंस्र कर्म में लगा हुआ है। पानी का मापी खून बहा रहा है, दारू पी रहा है, चरस पी रहा है, कामिनी कांचन लेके बिजी है एंजॉयमेंट में, और पशुओं को मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है। हिंस्र कर्म परायण ये अमंगल, चारों ओर अमंगली अमंगल है, चारों ओर अमंगली अमंगल है। ये लोगों को दे नहीं दिखता, ये लोगों को नहीं दिखता, ये लोगों को नहीं दिखता, ब्लाइंड है ना, अमंगल स्वरूप। ये असुर लोगों ने ये जगत को ध्वंस करने के लिए विचार किया, इसीलिए लोग अंदर में पावर भी आते रहते हैं। असुर, असुर लोग, असुर कामे एताम दृष्टिम अवस्थभ्यो नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो प्रभवन्ति उग्र कर्माणः छायायो जगतो अहितः। जगत को सत्यनाश करने के लिए ये लोग तैयार है हर वक्त। चलो कोई बात नहीं, कर लो, कर लो सत्यनाश। इसीलिए जो जिसका आजकल देखो गुरु परंपरा बोल के कुछ नहीं है, अगर है भी वो छुपा के है। ये असुरी मत, असुरी मत है ना, असुरी मत को लेके चल रहा है। और अपना अपना जो कंक्लूजन है शास्त्रों का विचार देख नहीं रहा है, शास्त्रों का विचार के ऊपर ये लोग आधा नहीं, कुछ विचार नहीं कर रहा। अपना अपना जो विचार बनाया इसी को आगे शिष्य लोगों को सिखाओ। आगे का विचार जो जैसा जैसा उसका भाव है वो सिखाए, परंपरा बोल के, क्योंकि परंपरा अगर है, अगर परंपरा है तो परंपरा में तो शिक्षा इंटैक्ट जान इंटैक्ट जाएगा ना। परंपरा अगर है, हमारा अगर शुद्ध परंपरा बचा खुचा है, उसमें गुरु वर्गों से, महाप्रभु से, प्रभुपाद भक्तिमती ठाकुर, गोस्वामी लोग प्रभुपाद भक्तिमती ठाकुर, इसके बाद कैसे गोस्वामी भाव सब धीरे धीरे आएगा। अगर परंपरा नहीं बचा तो परंपरा अगर नहीं बचा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ परंपरा? परंपरा का क्या यूटिलिटी है? परंपरा का क्या यूटिलिटी है? परंपरा का यही एक यूटिलिटी है। परंपरा का मकसद क्या है? परंपरा का यूटिलिटी क्या है? सो दैट वी कैन गेट नॉलेज, द फ्लो ऑफ नॉलेज इंटैक्ट वे, कोई उसमें कोई मिलावटी ना हो। अरे कोई तो आचरण से साधु जरूर रहेगा। जब दुनिया वाला कोई नहीं है तब देखा भक्ति में ठाकुर है, जब दुनिया वाला कोई नहीं है गोपाद है, जब दुनिया वाला कोई नहीं है श्रीधर महाराज है, केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमार पुरी गोस्वामी महाराज तो है जरूर, चाहे आपका नजर में नहीं है तो बचा कुचा है। परंपरा का यूटिलिटी है हम विशुद्ध ज्ञान बहती हुई जो महाप्रभु से धीरे धीरे हमारा तक गुरु परंपरा के अनुसार आए, इसको भागवत परंपरा मानना ठीक है, क्योंकि मंत्र गुरु परंपरा का जो हिसाब है ये टिकता नहीं, बहुत सारे मुसीबतें आ जाता है। तो असुर भाव संपन्न जो असुर प्रकृति का मानुष क्या करते, इसको ये लोगों का मकसद है अपना अपना डॉक्ट्रिन, अपना अपना जो हिसाब किताब है, डॉक्ट्रिन है मत, ये मत को स्थापन कर। लेकिन पोपा जी ने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, सिला पोपा जी ने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, हम कोई इज्म का बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इज्म का बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बात अगर हो, इज्म अगर हो, एंटी इज्म अर्थात विवाद,
हम बात का बात नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं चिल्ला कर ये मत सोचो कि हम कोई इज्म कोई बात का बात नहीं बोला है, लेलिन इज्म है नो अलग अलग सा इज्म है, हम ये इज्म का बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में। प्रभुपाद कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर अगर हम इज्म कहे अगर हम बात कहे तो बात का विपरीत एंटीइज्म आ जाएगा, धक्का लग जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं सिद्धांत, इसका कोई एंटीइज्म हो नहीं सकता, इसलिए पोपा चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, चिल्ला चिल्ला कर पोपा कहते थे मैं कोई इज्म का बात नहीं कह रहा हूं, अगर इज्म कहे तो उसका ऑपोजिट इज्म भी आ जाएगा, मैं सिद्धांतों का बात कह रहा हूं जिसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट कैन नेवर बी चेंज, इसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको फिक्स आप, क्योंकि परिवर्तन करना संभव नहीं है, इसलिए वो बात कहते थे हम कोई इज्म का बात नहीं कह रहा हूं कि तू दूसरा एक इज्म लाके मेरे इज्म को बंद कर दोगे, ऐसा कोई बात नहीं, मैं एब्सोल्यूट जगत का बात कह रहा हूं, सिद्धांतों का बात, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पोपा जी का कहना है। सो असुर लोगों का ये विचार ही नहीं बनता, असुर लोगों का ये विचार ही नहीं बनता कि भगवान का चरण का सेवा कर लो करके देखो सारे हिसाब किताब हो जाएगा, ये मानता ही नहीं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यथा तरण मूल निषेचन तिप्पन्ति तस्कंद भुजो पुसाका प्राणोपहारश्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हणम् अच्युतेज्या वांछाकल्पद्रुवस्य कृपासिन्धु भवेच्छ पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। काल इस विषय पर चर्चा हो पाएगा, क्षमा करें, वांछाकल्पद्रुवस्य कृपासिन्धु भवेच्छ पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।